नमस्कार दोस्तों, देख सकते हैं कि गर्मियाँ बहुत बढ़ चुकी हैं और गर्मियों में शरीर को रिफ्रेश करने के लिए हमें शरबत की ज़रूरत पड़ती है। तो आज हम रेसिपी देखो में बनाने वाले हैं दो बहुत ही आसान से शरबत, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। तो एक हम नमकीन शरबत बनाने वाले हैं और एक हम मीठी शरबत बनाने वाले हैं। चैनल में नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मैं अपने चैनल में इसी तरह की हेल्दी रेसिपी शेयर करती हूँ। आज हम बेल और सत्तू का शरबत बनाने वाले हैं, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ हम इसे बनाएंगे, वो भी झटपट 5 मिनट में। तो चलिए देखते हैं इसे हम कैसे बनाते हैं। तो ये है बेल और दूसरा है सत्तू। तो यहाँ हम सबसे पहले बेल का शरबत बनाएंगे। तो आपको जितना पानी चाहिए, जितना ग्लास आप शरबत बनाना चाहते हैं उतना पानी आप एक बॉल में ले लें। तो मैं यहाँ 2 ग्लास के इतना बनाऊंगी। तो इसमें मैंने पानी डाल दिया है। तो अब हम यहाँ बेल को लेंगे। देखिए ये बिल्कुल पका हुआ बेल है, तो इसमें बेल के गुद्दे को हम डाल देंगे। तो इसे पानी में डाल दें। तो यहाँ बेल को आप ज़्यादा ही डालें, बेल जितना ज़्यादा रहेगा उतना ही ये मीठा बनेगा। तो बेल जो है बहुत ही गुणकारी होता है, ये पेट के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो बच्चे जो हैं वो बेल खाना पसंद नहीं करते हैं फ्रेंड्स, तो उन्हें आप शरबत बना के देंगे तो वो इसे आसानी से जूस समझकर पी जाएंगे। तो हम इसमें 2 ही गिलास के इतना शरबत बना रहे हैं, तो इसमें हम इतना ही गुद्दा डालेंगे। तो अब इसे यहाँ आप हाथों से अच्छी तरह से मिला लें। तो देखिए ये बहुत ही आसानी से मिक्स हो जा रहा है, इसका पल्प जो है पानी में अच्छी तरह से मिक्स हो जा रहा है। तो देखिए इसमें बहुत सारे रेशे हैं, तो इसे आप अलग कर दें। तो इसे हम उठा के हटा देंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे पल्प को अच्छी तरह से पानी में मिला लिया है, तो इसमें हम कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं डालेंगे, सिर्फ हम इसमें शक्कर डालेंगे। तो इसमें हम 2 से 3 चम्मच शक्कर डाल देंगे। इसे ज़्यादा मीठा ना डालें, क्योंकि इसमें बेल जो है बहुत ही मीठा लगता है, ज़्यादा शक्कर डालने से ये ज़्यादा मीठा हो जाएगा। तो चीनी डाल के इसे अच्छी तरह से मिला लें, जब तक कि चीनी पूरी तरह से घुल ना जाए। अगर आपको ज़्यादा ठंडाई पसंद है तो आप इसमें बर्फ़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ चीनी को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, तो अब हम गिलास लेंगे और एक छकनी लेंगे और उससे हम जूस को छान लेंगे। क्योंकि इसमें बहुत सारा पल्प रहता है तो ये आसानी से नहीं छनता है। तो इस पल्प को हम हटा देंगे, फिर से इसे चम्मच से धीरे धीरे घोलते जाएं। यहाँ बेल का शरबत तैयार हो गया है। तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, और ये जितना टेस्टी लगता है इतना ही ज़्यादा ये हेल्दी भी होता है। तो आप इसे ज़रूर बनाएं और कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स, बेल का शरबत जो है उसे खाली पेट पीना अच्छा होता है या फिर दोपहर के समय, इसे सांझ या फिर रात के समय ना पिए। और सत्तू का शरबत भी आप दिन के समय पिए और सुबह खाली पेट पी सकते हैं, इससे फ़ायदा पहुंचता है और शरीर को एनर्जी मिलती है। तो बेल का शरबत हमने तैयार कर लिया है, तो चलिए अब हम झटपट से सत्तू का शरबत भी बना लेते हैं। हम यहाँ पर 2 ग्लास बनाने वाले हैं सत्तू का शरबत, तो हम यहाँ 2 ग्लास में पानी डाल देंगे। यहाँ पानी थोड़ा कम कम डालें, पूरा भर के ना डालें। तो इसमें मैंने थोड़ा कम ही पानी डाला है, इससे सत्तू घोलने में आसानी होगी। तो सत्तू को यहाँ थोड़ा ज़्यादा परिमाण में डालना है, 1 चम्मच 2 चम्मच, और इसमें भी 2 चम्मच सत्तू डालेंगे। तो अब हम इसको पानी में मिला लेंगे। आप ध्यान दीजिएगा इसे ज़्यादा पतला ना बनाएं, इसे थोड़ा मोटा ही बनाएं। और इसे अच्छी तरह से मिला देना। तो अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। साथ ही हम इसमें भुना हुआ जीरा पाउडर लिए हैं, तो जीरा पाउडर भी हम इसमें 1/2 टीस्पून के इतना डाल देंगे, इससे इसका टेस्ट बेहतर आता है। यहाँ मैंने 3 से 4 मिर्ची को छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है, और 1 बड़े प्याज को भी मैंने छोटे छोटे पीसेस में काटा है। तो इसे भी हम शरबत में डाल देंगे। इसके अलावा इसमें तेल उल कुछ भी ना डालें। अब इसमें हम मिर्ची को भी डाल देंगे, तब हम इसे मिला देंगे। तो इसे जब भी आप पिए अंदर से इसे एक बार मिला लें फिर पिए, नहीं तो सत्तू जो है वो नीचे बैठ जाता है।
तो लीजिए फ्रेंड्स, तैयार हो गया है सत्तू का मज़ेदार शरबत। तो जिन्हें तीखा नहीं पसंद है तो वो मिर्ची को स्किप भी कर सकते हैं। आप इसकी जगह इसमें धनिया पत्ता का भी यूज कर सकते हैं। सत्तू में भी बहुत सारा एनर्जी होता है, ये शरीर को ठंडा भी रखता है और हमें एनर्जी देता है, तो गर्मियों में इसका शरबत जरूर पिए। आशा करती हूँ आपको ये दोनों शरबत की रेसिपीज अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरे नए वीडियोस आपको मिल सके। तो इसी तरह की और हेल्दी रेसिपी हम फिर बनाएंगे। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें।